हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टाइल यूनिक फैशन। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली ट्रेडिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम कर रहे हैं हैवी साइज 51 चेस्ट 56 पेट, 51 चेस्ट 56 स्टमक की सदरी की कटिंग। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग इनका नाप समझ लीजिए। इनकी लंबाई 33, 51 इंच इनका सीना है चेस्ट, 56 इनका स्टमक है पेट है, 53 हिप है, 19 इनकी जो है शोल्डर है, 19 इंच इनका गला है। तो सबसे पहले जो है हम बैक की कटिंग करेंगे। कपड़े को दोस्तों पहले आधा इंच आगे पीछे कर लेंगे। देखिए ऐसे आधा इंच आगे पीछे करके पहले हम कपड़े को एकदम ऐसे देखिए आधा इंच आगे पीछे करके इसको पहले सीधा कर लेंगे। पूरे कपड़े को इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद हम बैक की कटिंग करेंगे। सबसे पहले एल स्केल को एकदम कोर पे हम लेकर आएंगे, एकदम सीधा किसको कर लेंगे और बॉटम वाला नीचे वाला निशान दामन वाला सबसे पहले हम लगाएंगे। देखिए ऐसे इसमें 1.25 इंच का मार्जिन दे देंगे ऐसे। लंबाई का निशान लगाएंगे। लंबाई जो है 33 है, 33 एक इंच माइनस करके 32 पे हम जो है लंबाई का निशान लगाएंगे। बैग जो है क्योंकि पेट बहुत हैवी साइज़ है तो हम बैग को जो है छोटी एक इंच रखेंगे। जो है 33 इंच जो है लंबाई इनकी है फ्रंट की, तो बैग हम एक इंच छोटी रखेंगे, यानी 32 इंच पे हम ऐसे निशान लगाएंगे। इंच टेप को ऐसे 32 पे ऐसे रखेंगे, रख के ऐसे एक निशान ऐसे लगाएंगे। इसके बाद जो है मोड़े का निशान लगाएंगे। मोड़े का निशान हम 10.5-11 इंच पर लगा देंगे। 10.5 इंच पे पहले हम निशान लगा के हम लगाएंगे, इसलिए 10.5 से ज़्यादा हम मोड़ा जल्दी लटकाते नहीं हैं दोस्तों। अब जो है पेट का निशान लगाएंगे। पेट का जो है निशान देखिए लंबाई का आधा कर लेंगे, 33 इंच लंबाई है तो उसका आधा करेंगे, 16.5 आएगा। इसमें 3 इंच 2.5 इंच और ऐड कर लेंगे, 1, 2, 2.5 यानी कि 19 इंच पे जो है 19.5 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे पेट का। अब हम सारे निशान को सीधा कर लेंगे। अब हाले के निशान लगाएंगे। हाले के निशान हम 3.5 इंच में 1 सूत कम पे हम निशान लगा देंगे। इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लेंगे। यहाँ से 1 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर 19 है, उसको आधा करेंगे, 9.5 इंच आएगा। आधा इंच इसमें दाब देके 20 इंच पे 10 इंच पे हम जो है निशान लगा देंगे। 10 इंच सीधे वाले निशान से 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे मिला लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे ऐसे इसको मिला लेंगे ऐसे। सीने का निशान लगाएंगे। 51 सीना है, 51 का चौथाई करेंगे तो आएगा जो है 12.5 इंच। 12.5 में हम जितना सिलाई में दबेगा इधर से उतना हम बढ़ा लेंगे, यानी कि आधा इंच। आप जिस हिसाब से अगर आधा इंच दबाते हैं तो आधा इंच अपना जो है
बढ़ा लीजिए, 300 दबाते हैं तो 300 बढ़ा लीजिए। तो जो है हम 300 बढ़ा के निशान लगा दे रहे हैं। दोस्तों जो है पेट का निशान, पेट 56 है, 56 की चौथाई करेंगे तो आएगा 14, 14 28 56 14, और इसमें भी 300 बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। हिप जो है 52 है, जिसका चौथाई करेंगे 13.25 इंच आएगा, इसमें भी जो है 300 बढ़ा के हम निशान लगा लेंगे। देखिए ऐसे इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे, और इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे, इसमें दोस्तों दाब दे देंगे 1 इंच 1.25 इंच जितना देना है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा दे सकते हैं। इसकी बैक जो दोस्तों जो यहाँ से यहाँ तक देखिए 10 इंच आ रही है, तो जो है इसमें 0.5 इंच माइनस करके 9.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे, सिर्फ 0.5 इंच का शेप देंगे। साइड ओपन रहेगा 4.5 इंच का जो है ओपन हम खोल दे रहे हैं। सदरी में बहुत बड़ा जो है ये खुलता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये निशान ये लग गया है, अब चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों बैक की देखिए ये कटिंग हमारी पूरी हो गई है, इसके बाद हम चलिए फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से जो है हमने इसको देखिए पलट लिया है ऐसे, इधर से देखिए हमारी जो है बैक कटी है, अब इधर से हमको इसको पलट के निशान लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों जो है बहुत लोग जो है जानना चाहेंगे कि इसमें कपड़ा कितना लगेगा या कितना लग रहा है, तो जो है इसको जो है हम देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे लेंगे, और यहाँ से जो है 1.5 इंच नीचे तक हमारा ये जाएगा, यानी कि यहाँ से कपड़ा कितना आ रहा है हम आपको नाप के बता दे रहे हैं। इसमें दोस्तों लगभग 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा इस सदरी की साइज की कटिंग करने में। कपड़ा हमारे पास देखिए पूरा है, तो हम इसको एकदम नीचे कर ले रहे हैं। दोस्तों अब हम पहले बैग को चेक कर लेंगे, हमारी बैग एकदम सीधी रखी है कि नहीं रखी है, तो जो है और यहाँ से हमने देखिए 1.5 इंच
डेढ़ इंच जो है ऊपर जो है बैग को रखा हुआ है, इसलिए हमारी बैग जो है एक इंच हमने छोटी कटिंग की है। बैग हमारी सीधी रखी हुई है, तो हम इसको पहले सीधा निशान लगा लेंगे। इसको पहले हम सीधा यहाँ कर लेंगे, से और यहाँ से 3.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। एक दोस्तों इनका हर एक निशान लगाएंगे। इनका सीना देखिए 51 है, तो 51 का 8वां भाग करेंगे तो लगभग 6.25 इंच आएगा। तो 6.25 इंच पे हम ऐसे निशान लगा देंगे, आगे से 6.25 इंच पे निशान लगाएंगे ऐसे। सवा छः पे निशान लगा के इसको पहले हम ऐसे सीधा कर लेंगे, इतना शोल्डर का निशान लगा लेंगे। देखिए इसको ऐसे रखेंगे ऐसे, और यहाँ से जो है 150-200 अंदर करके 2.25 इंच पे जो है हम निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हम बैग को हटा लेंगे। हम सारा निशान सीधा कर लेंगे पहले, आगे से जो है दोस्तों 1.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, 1.25 इंच का शेप हम देंगे। यहां से इसको ऐसे हम मिलाएंगे दोस्तों, साइज ज्यादा है तो इसलिए हमको इतना शेप देना पड़ेगा। कंधे का निशान लगा लेंगे ऐसे, हाथ का निशान हम लगा लेंगे दोस्तों 3.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया था पहले लगा के इसको हम चेक कर लेंगे। फिर हम गला नाप लेंगे, नाप करके जो है हम फाइनल निशान लगाएंगे। ऐसे अब बैग का हम पहले हाला गला नापेंगे। जितना यहाँ सिलाई में दबेगा उतना हमको छोड़ देना है, इधर से जितना सिलाई में दबेगा उतना छोड़ करके यहाँ से जो है ऐसे हम नापेंगे। पहले देखिए आ रहा है 4 इंच, और यहाँ पर भी इसी तरीके से सिलाई में जितना दबेगा उतना इधर से भी दबेगा, जितना 4 इंच को यहाँ हम रखेंगे देखिए ऐसे, और इसको हम हमारा जो है गला देखिए 1.25 का आधा करेंगे तो 19.5 इंच 100 आएगा। इसमें हमको 1.25 इंच और बढ़ाना है, तो यानी कि जो आएगा ये 10.5 में 100 कम आएगा, तो 10.5 में 100 कम पे हम इसको हम निशान लगाएंगे। 10.5 में 100 कम पे हम देखिए दोस्तों यहाँ निशान लगाएंगे। अब ये आ रहा है 1 इंच, 1 इंच में 100 कम आ रहा है, तो 100 और हम इसको नीचे से डाउन कर लेंगे देखिए ऐसे। 100 जो है सिर्फ हमको डाउन करने की ज़रूरत है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है एकदम, क्योंकि हमारा साइज़ एकदम बराबर आई है बस इतना। 1 इंच पे हम ऐसे निशान लगा लेंगे 1 इंच, यहाँ से हमारा इसी जहाँ से हमारा कॉलर जो है लगेगा। इसके बाद इसमें हम जो है 3 सूत का जो है
दाब दे देंगे जो हमारे सिलाई में दबेगा, इसका भी निशान हम लगा लेंगे। देखिए ऐसे, ये हो गया। अब हम सीने का जो है निशान लगा लेते हैं, इसी जहां से हमको सीने का निशान लगाना है। सीने का चौथाई करेंगे, क्या उन्हें सीना इसका चौथाई करेंगे, 13.5 इंच आएगा, तो 13.5 और सीने पे हम 2.5 इंच का दाब, 2.5 इंच की लूजिंग हम दे देंगे सीने पे। पेट जो है 56 है, तो इसका जो है हम चौथाई करेंगे तो 14 इंच आएगा, 14 और इसकी लूजिंग हम जो है 2.25 इंच दे देंगे, 2.25। हिप जो है 53 है, 13.5 इंच आएगा इसकी चौथाई, 13। यहाँ पर भी जो है 2.5 इंच लूजिंग दे देंगे। अब हम इस निशान को मिला लेंगे। देखिए यहाँ से ऐसे, वैसे हिप पे थोड़ा सा हमको बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। देखिए इतना हम बढ़ा देंगे दोस्तों। अब तख्ती जो है हम 10.5 इंच की रख देंगे, इसलिए 10.5 से ज़्यादा हम तख्ती नहीं रखते हैं। ये हो गई 10.5, सबसे लास्ट जो है रखते हैं, ये हो गया। इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, ऐसे और इसको ऐसे मिला लेंगे, ऐसे। दावन का निशान लगाएंगे दोस्तों। पहले लंबाई का निशान लगाएंगे, लंबाई 33 से 1/2 इंच बढ़ा के 33.5, सीधे वाले निशान पे 33.5 इंची टेप रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ये ऐसे निशान लगा देंगे। इसको देखिए दोस्तों, ऐसे शेप देना पड़ेगा हमको, ऐसे। इस तरह से शेप देना पड़ेगा। इसमें दाब दे देंगे, 2.25 इंच का दिया है, 2.25 इंच का दाब भी दे देंगे। पॉकेट का निशान लगाएंगे, 10.5 इंच पॉकेट का निशान लगाएंगे, चार इंच आगे से निशान लगाएंगे, 6.25 इंच की पॉकेट रख देंगे, 10.5 इंच पे ऊपर की पॉकेट का निशान लगाएंगे, यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे, 4.5 इंच की पॉकेट रख देंगे,
दोस्तों निशान देखिए ये लग गया है। अब हम इसी कटिंग कर लेंगे। एक पल्ला जो है इधर से हम दोनों पल्ला काट लेंगे और इधर से एक पल्ला सिर्फ आगे वाला काटेंगे। उसके बाद हम जो है नीचे आधा इंच बढ़ा के हम कटिंग करेंगे। आधा इंच पौना इंच, कम से कम पौना इंच तो बढ़ा ही देते हैं इसलिए कि साइज़ ज़्यादा है, तो बटन वाला हिस्सा जो है पौना इंच हम बड़ा कटिंग करेंगे। इसको पहले हम ऐसे बराबर कर लेते हैं। अब दोस्तों हम इसी कटिंग कर ले रहे हैं। नीचे का पल्ला जो है हम दोस्तों पौना इंच बढ़ा लेंगे। पौना इंच पे देखिए हम निशान लगा रहे हैं। दोस्तों सदरी की कटिंग देखिए ये पूरी हो गई है। कटिंग की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कटिंग की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।